चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली डिश। आज ट्रीट टाइम है, बर्थडे टाइम है, तो हम बनाने जा रहे हैं टाइनी ट्रीट्स, जो है कपकेक्स। सबसे पहले हम इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैदा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, जस्ट 1 स्पून, और थोड़ा सा नमक डाल के इसे सीव कर लेंगे, छान लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बटर, शक्कर और 2 अंडे, यो एंड 1 मोर, नाइस। लेट्स मिक्स दिस अप। थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छा करेंगे हम, सो दैट्स इजी टू मिक्स इट अप। और थोड़ा सा वनीला एसेंस, जस्ट 1 टीस्पून। A nice thick batter for our cupcakes is coming all together. Meher loves cupcakes and I just love making cupcakes for her, you know. Look at these teeny meeny lovely colorful cupcake molds. Ye silicone ke hain. This is better than the aluminium molds kyunki iske baad jab cake ready ho jata hai to bahut aasani se bahar nikal aata hai. Ab hum lenge hamara piping bag aur इसके अंदर डालेंगे ये हमारा बैटर। आप इसे वैसे स्पून से भी डाल सकते हैं, बट आई प्रेफर पाइपिंग बैग क्योंकि मोल्ड में ये अच्छे से बैठ जाता है। परफेक्ट। तो हमारा पाइपिंग बैग रेडी है, लेट्स जस्ट कट द टिप क्विकली। अपना बैटर इस तरह से आप डालिए। वाओ, नाइस रिच बैटर ऑफ अ कपकेक्स ऊजिंग आउट ऑफ दिस पाइपिंग बैग, इट्स लुकिंग सो यमी। मैंने अवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट किया है। अब हम हमारे कपकेक्स को 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। तो चलिए तब तक हम फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग? अरे भाई, केक डेकोरेशन के लिए फ्रॉस्टिंग। चलिए हम इसमें लेंगे फ्रेश क्रीम। तो चलिए अभी हम इस क्रीम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम चीज, जस्ट अ लिटिल बिट, in 3 equal parts. Again, mix it up with fresh cream. Ab hum isme add karenge color. This color is edible color, it's food color, approved and completely safe, and of course easily available in the market. So first we are using orange color. Now we are going for green. Wow. और थर्ड कलर हम रखेंगे व्हाइट, विच इज द ओरिजिनल क्रीम चीज कलर। फ्रॉस्टिंग के लिए हमारे तीनों कलर्स रेडी हैं। अब हम इन्हें डालेंगे पाइपिंग बैग में फॉर द लवली डेकोरेशन। मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग्स रेडी करके रखी हैं। अब हम हमारे कपकेक्स को देख लेते हैं। एंड दे आर रेडी। सुपर्ब, लवली, वाओ। सबसे पहले इनको बहुत लाइटली ऐसे आप बाहर निकाल लीजिए मोल्ड से। देखिए ये सिलिकॉन मोल्ड है, यू कैन जस्ट टर्न इट एंड वेरी डेलिकेटली रिमूव इट।
बहुत इजीली ये निकल आते हैं। देखा आपने नोजल यूज करने से कैसे आपको क्रीम का फॉर्म मिल रहा है। ऑरेंज फ्लावर विच इज राइट हियर, लवली। मेहर और उसके दोस्तों को तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। एंड ऑरेंज इज एक्चुअली हर फेवरेट कलर। नाउ टू एड सम मोर कलर लेट्स टेक ग्रीन। सो ये रहा हमारा ग्रीन, जस्ट अ लिटिल बिट हिंट ऑफ ग्रीन। सुपर्ब। अब बच्चों का फेवरेट थोड़ा सा हो जाए, लेट्स एड सम रेड। देखा आपने कितने सुंदर कपकेक्स बन रहे हैं। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, सुपर्ब। मैंने चॉकलेट के ट्रायंगल्स बनाए हैं। यू नो दिस इज वेरी सिंपल टू डू। आप अच्छे से चॉकलेट मेल्ट करिए, एनी कुकिंग चॉकलेट, और फिर उसे बटर पेपर पे जो मन चाहे अपना शेप डाल दीजिए और उसे फ्रीजर में फ्रीज कर दीजिए। बस फिर आप उसे बिल्कुल लाइटली ऐसे पील करिए बटर पेपर से, एंड विल कम इन योर हैंड। बस अब हम इसे सजाएंगे ऐसे, एंड हियर यू गो। अब एक एक करके इस प्लेट पर रखेंगे हम। अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी पे ये जरूर ट्राई करिएगा, एंड सी योर किड्स विल बी सो प्राउड ऑफ यू, एंड दे विल एक्चुअली शो ऑफ। पता है ये कपकेक्स मेरी मामा ने बनाए हैं, एंड यू फील सो गुड। दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन गेट। चलिए थोड़ा सा और सजाते हैं विद दिस सॉफ्ट। तो रेडी है हमारे टाइनी टॉट्स के लिए टाइनी ट्रीट्स। देखिए इस खूबसूरत रेसिपी का एक क्विक रिकैप। टाइनी ट्रीट्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर ले। कपकेक्स का आटा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चार टेबलस्पून बटर, तीन से चार टेबलस्पून चीनी, दो अंडे, 50 ml दूध, एक टीस्पून वेनिला एसेंस। फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप फ्रेश क्रीम, 3 teaspoon क्रीम चीज, 1/2 teaspoon ऑरेंज कलर, 1/2 teaspoon ग्रीन कलर। टाइनी ट्रीट सजाने के लिए हमें चाहिए इच्छा अनुसार जेम्स, चॉकलेट ट्रायंगल्स और कलर्ड सॉफ्ट। टाइनी ट्रीट बनाने का तरीका। कपकेक्स का बैटर बनाने के लिए एक बोल पर छन्नी को रखें, मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर छान ले। अब बटर, चीनी, अंडे डालकर बीट कर ले और बैटर तैयार कर ले। दूध और वेनिला एसेंस मिलाकर फिर से बीट करें। ओवन के एक ट्रे पर कपकेक सिलिकॉन मोल्ड्स रखें। कपकेक बैटर को पाइपिंग बैग में भरें। पाइपिंग बैग की टिप को काट लें। अब इस बैटर को मोल्ड्स पर भर दे। ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर ले। इन कपकेक्स को 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक बेक कर ले। कपकेक्स को ओवन से निकाले। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए 3 अलग-अलग बोल में फ्रेश क्रीम और क्रीम चीज को मिलाएं। एक बोल में ऑरेंज कलर मिलाएं, दूसरे बोल में ग्रीन कलर मिलाएं और तीसरे को व्हाइट ही रखें। ऐसे 3 अलग-अलग पाइपिंग बैग तैयार कर ले। कपकेक्स को व्हाइट, ऑरेंज और ग्रीन फ्रॉस्टिंग से सजाएं। ऊपर से जेम्स और चॉकलेट ट्रायंगल से सजाएं। प्लेट को कलरफुल सॉफ्ट से सजाकर अब इन टाइनी ट्रीट्स को इस पर रखकर परोसे। इस रेसिपी को पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करें।